जय जगन्नाथ। मैं शिवानी चक्रवर्ती अपने चैनल बॉन्ग कलिंग पोर्टल्स में आप सबका स्वागत करती हूँ। दुर्गा पूजा आने वाली है तो हम अपने चैनल पर आपके साथ कुछ ट्रेडिशनल बंगाली भोग की रेसिपी शेयर करेंगे और कुछ और ट्रेडिशनल बंगाली रेसिपी आपके साथ शेयर करेंगे ताकि इस दुर्गा पूजा और नवरात्र के वक्त आप उसको बना सकें। तो सबसे पहले हम शुरुआत करेंगे भोगेर खिचड़ी से। ये भोग की खिचड़ी दुर्गा पूजा में बनती है और भी बहुत सारे देवियों की पूजा में बनता है, जैसे लक्ष्मी पूजा है, कोजागरी लक्ष्मी पूजा है, या फिर जो भी लक्ष्मी पूजा हमारे घर में यहाँ पर होती है तो यहाँ पर ये बनता है। और बंगाल में खिचड़ी सबसे पसंदीदा भोग है। चावल और मूंग दाल से बनने वाले ये भोग की रेसिपी सबको बहुत पसंद है। आई होप ये भी आपको पसंद आएगा। तो चलिए बनाना शुरू करते हैं बंगाली भोगेर खिचड़ी। तो अभी हम अपने किचन में हैं और अभी हम बनाने जा रहे हैं बंगाली भोगेर खिचड़ी। तो अगर आप घी खा सकते हैं, थोड़ा सा भी घी मतलब चल सकता है आपको, तो डेफिनेटली उसको घी से बनाएं, बिल्कुल भी तेल का इस्तेमाल ना करें, क्योंकि बंगाली जो ट्रेडिशनल भोगेर खिचड़ी होता है वो घी से ही बनता है। जो ऑथेंटिक स्वाद उसका आता है वो घी से आता है। तो आज हम घी से बनाएंगे और हमेशा हम घी से ही बनाते हैं। तो मैं यहाँ पर डाल रही हूँ 2 बड़े चम्मच घी, और ये देसी गाय की घी है, गाय का घी है, भैंस का नहीं, क्योंकि हमारे यहाँ पर भैंस का घी इस्तेमाल नहीं होता। लेकिन अगर आपके यहाँ पर भैंस का घी इस्तेमाल होता है तो डेफिनेटली आप उसको यूज़ करें। तो उसके बाद हम इसमें डालेंगे थोड़े से मसाले। मसालों में हमने यहाँ पर लिया है तेज पत्ता, मैंने यहाँ पर 2 तेज पत्ते लिए हैं, थोड़ी सी दालचीनी, थोड़ी सी इलायची, 4-6 लौंग, 1 हरी मिर्च, 1 सूखी लाल मिर्च, थोड़ा कसा हुआ अदरक और जीरा। ये सारे मसाले हमें बंगाली ट्रेडिशनल खिचड़ी में चाहिए। साबुत गरम मसाला डालने से ही जो ट्रेडिशनल बंगाली खिचड़ी की जो खुशबू आती है वो उसी से आती है। तो अभी हम एक एक करके सब चीज़ों को डाल देंगे सिवाय अदरक को छोड़ के। अदरक हम 1-2 मिनट बाद डालेंगे, लेकिन बाकी जितने सारे हमने मसाले लिए हैं उसको हमने डाल दिया है। तो अभी हम थोड़ा सा उसको स्टर कर लेंगे। तो अभी हम इसमें डालेंगे अदरक, और अदरक डाल के भी हम थोड़ा सा इसको भूनेंगे। ये जो सारी चीज़ें हमने डाली हैं सामग्री, ये मतलब डालना ही डालना है आपको। और उसके बाद हम इसमें डालेंगे सब्ज़ी। सब्जियों में जो कॉमन सब्जी होती है जो इसमें जाती है वो है गाजर, गोभी, गाजर और आलू और मटर। ये चारों चीज़ें होते हैं जो कंपलसरी जाते हैं। आप उसमें बीन्स भी ऐड कर सकते हैं या फिर अपना कोई पसंदीदा वेजिटेबल्स ऐड कर सकते हैं, लेकिन बंगाली खिचड़ी में बिना आलू के तो नहीं बनता। तो आलू तो कंपलसरी है और गाजर और गोभी भी कंपलसरी है। और मेरे पास यहाँ पर फ्रोजन मटर था तो मैंने इसको लिया है। तो अभी हम इसको डाल देंगे और अभी हम इसको 5-6 मिनट तक इस घी में और इस मसालों के साथ उसको भूनेंगे। बंगाल में बहुत टाइप के अन्न बनते हैं भोग की, आप घर में कुछ भी बना सकते हैं, लेकिन सबसे पहला स्थान जो होगा वो खिचड़ी का होगा। जैसा मैंने कहा कि हर दुर्गा पूजा में अष्टमी के दिन, सप्तमी के दिन खिचड़ी बनता है, और माँ लक्ष्मी का तो खिचड़ी बहुत ही प्रिय भोग है। कोजागरी लक्ष्मी पूजा हो या फिर जो भी लक्ष्मी पूजा होती है बंगाल में, वहाँ पर खिचड़ी भोग आपको देना ही देना होता है। तो अभी हम इसमें डालेंगे थोड़ा सा हल्दी पाउडर, और थोड़ा सा हम इसमें डालेंगे धनिया पाउडर, और थोड़ा सा हम इसमें डालेंगे लाल मिर्च पाउडर, और उसके बाद हम इसमें डालेंगे थोड़ा नमक। सब्जियों के लिए हमें थोड़ा नमक पहले डालना है, और फिर जब चावल और दाल हम डालेंगे उसके बाद भी थोड़ा हमें नमक डालना है। तो अभी हम इन सबको मिलाकर 5 मिनट तक पकने के लिए छोड़ देंगे। अभी मैं ढक देती हूँ, ये थोड़ा पक जाए, उसके बाद हम इसमें डालेंगे दाल और चावल। तो ये देखिए, ये है दाल चावल, और यहाँ पर मैंने लिया है गोविंद भोग चावल। ये देखिए, क्योंकि बंगाली खिचड़ी का मतलब ही है गोविंद भोग चावल, मतलब गोविंद भोग चावल के बिना बंगाली खिचड़ी नहीं बन सकता। आप लंबे दाने वाले बासमती यूज़ कर सकते हैं, लेकिन गोविंद भोग का जो खुशबू होता है वो अलग होता है, और लंबे दाने वाला बासमती का जो खुशबू होता है अलग होता है।
गोविंद भोग एक खुशबूदार चावल है, वो बासमती भी है लेकिन ये छोटे दाने वाला है और बंगाल में उड़ीसा में खिचड़ी और खीर के लिए इसका इस्तेमाल होता है, लेकिन बंगाल में इसका इस्तेमाल थोड़ा ज़्यादा होता है। तो अगर आप कभी बंगाली खिचड़ी बनाना चाहें तो प्लीज़ आप गोविंद भोग चावल का ही इस्तेमाल करें, तभी आपको पता चलेगा कि बंगाली खिचड़ी जो होती है इतनी स्वादिष्ट क्यों होती है, क्योंकि इसका जो खुशबू होता है ना मतलब दुनिया से अलग होता है। बंगाली इसके बिना तो बिल्कुल नहीं रह सकते। कुछ जो चीज़ें हैं जिसके बिना बंगाली नहीं रह सकते उसमें से एक है गोविंद भोग चावल। तो अभी मैं आपको 5 मिनट के बाद दिखा रही हूँ, ये देखिए सब्जी अच्छी तरीके से पक चुके हैं, थोड़े से पक चुके हैं। तो अभी हम इसमें डालेंगे वो जो चावल और दाल हमने धो के रखा था उसको हम इसमें डाल देंगे। देखिए मैंने यहाँ पर 1 कप चावल लिया है और 1/2 कप मैंने दाल लिया है। आप चाहें तो दाल की मात्रा थोड़ी ज़्यादा रख सकते हैं, लेकिन जो खिचड़ी की जो रेशियो होता है वो 1 कप चावल के साथ 1/2 कप दाल ही होता है। और अभी हम इन सारी सामग्रियों को अच्छी तरीके से मिला देंगे। 1-2 मिनट तक हम इन चावल और दाल को इन सब्जियों के साथ भूनेंगे, मतलब अचानक से हम इसमें पानी नहीं दे देंगे तुरंत, थोड़ा सा हमें इसको भूनना है घी के साथ, उसके बाद हम इसमें डालेंगे पानी। तो अभी 1-2 मिनट हो गए हैं इसको भूनते हुए और ये अच्छी तरीके से भून चुके हैं। तो अभी हम क्या करेंगे, इसमें पानी डालेंगे। मैंने यहाँ पर 1 कप चावल लिया था और 1/2 कप दाल लिया था, तो उस हिसाब से मैं यहाँ पर 4 कप दे रही हूँ पानी। ये खिचड़ी थोड़ी पतली रहती है, मतलब दूसरे खिचड़ी के मुकाबले। जैसे स्वर्णचारी खिचड़ी मैंने बनाया था लास्ट ईयर, शायद जन्माष्टमी पर मैंने बनाया था, तो अगर आपने उसको देखा होगा तो आपको पता होगा कि वो कितना मतलब खिला खिला था, लेकिन वो इस तरीके से नहीं होता। इसमें आप अपने हिसाब से पानी दे सकते हैं, अगर आप सूखा रखना चाहते हैं तो सूखा रख सकते हैं, लेकिन जो ट्रेडिशनल भोगेर खिचड़ी होती है, भोग की खिचड़ी होती है बंगाली खिचड़ी, वो थोड़ी मतलब लिक्विड इसमें ज़्यादा रहता है, पानी उसमें ज़्यादा रहता है, वो इतना सूखा सूखा नहीं होता। तो मैं नमक डालना भूल गई, तो अभी हम क्या करेंगे, इसमें थोड़ा सा नमक डाल देंगे। थोड़ा सा नमक हमने डाला था सब्जियों में, तो इसमें हम थोड़ा सा नमक डाल देंगे और उसको थोड़ा मिला लेंगे इसे और ढक के पकने के लिए छोड़ देंगे तकरीबन 10 मिनट तक। 10 मिनट के बाद हम देखेंगे इसमें पानी कितना है, अगर पानी लगता है तो पानी देंगे, वरना ये 15 मिनट के अंदर बिल्कुल पक के तैयार हो जाएगी। तो फिलहाल हम अभी 10 मिनट तक उसको पकने के लिए छोड़ देते हैं मीडियम फ्लेम पे। तो अभी मैं आपको 10 मिनट के बाद दिखा रही हूँ, ये देखिए मैंने मीडियम फ्लेम पे ही रखा था, ये देखिए अभी इसमें थोड़ा पानी और लगेगा। ये अभी जिस तरीके से है, जिस कंसिस्टेंसी में है, ये होता है स्वर्णचारी खिचड़ी का कंसिस्टेंसी। जब मैंने बनाया था स्वर्णचारी तो आपने देखा था, जिन्होंने नहीं देखा वो जाके देखिए लास्ट ईयर का हमारा जन्माष्टमी सीरीज में वो खिचड़ी है, वो भी दुर्गा पूजा में बनता है, वो भी बनता है, लेकिन उसमें बहुत सारी चीज़ें जाती हैं जो मैंने डाला हुआ है, अगर आप जाके देखेंगे तो आपको पता चलेगा। तो अभी मैं 2 कप पानी इसमें और दे रही हूँ, मैंने 4 कप पानी पहले दिया था, तो अभी हम इसमें 2 कप पानी और देंगे, क्योंकि ये वाली खिचड़ी जो है वो बहुत पतली होती है। तो अभी हम इसको अच्छी तरीके से मिला लेंगे और ये पक चुका है, ये चावल और दाल अच्छी तरीके से पक चुके हैं। तो अभी हम क्या करेंगे, और 5 से 7 मिनट तक उसको यही धीमी आंच पर पकाएंगे। गोविंद भोग पकने के लिए ज़्यादा टाइम नहीं लगता, ये पक जाएगा और ये ऑलमोस्ट पक चुका है। तो पानी हमने दे दिया है और जितना मोटा हमें चाहिए होगा उतना हमें हो जाएगा ये, क्योंकि 1 कप चावल और 1/2 कप यहाँ पर हमने दाल यूज किया था, तो उस हिसाब से हमने 6 कप पानी दिया है, तो ये काफ़ी होता है एक अच्छी खिचड़ी बनने के लिए, जो बंगाली खिचड़ी होता है। तो अभी मैं आपको 5-7 मिनट के बाद दिखा रही हूँ, ये देखिए मैं आपको मिलाकर भी दिखा रही हूँ, ये देखिए अभी एक आलू है, देखते हैं कि ये पका है कि नहीं। ये हाँ, बहुत अच्छी तरीके से ये पक चुका है। और अभी हम इसमें डालेंगे बंगाली गरम मसाला। बंगाली गरम मसाला मतलब वो जिसमें बहुत कम चीज़ें होती हैं, सिर्फ इलायची, दालचीनी, लौंग और काली मिर्च होती है, उसको आपने भुनना है थोड़ा सा, मतलब ड्राई रोस्ट करना है और उसके बाद उसका मसाला बनाना है।
और वो बहुत लाइट होता है व्रत बकरा में, उसका बहुत इस्तेमाल किया जाता है। और पंजाबी गरम मसाला जो होता है ना, उसमें बहुत सारी चीज़ें होती हैं, उसकी खुशबू अलग होती है, बंगाली गरम मसाले की खुशबू अलग होती है। तो अभी हमने इसमें थोड़ा सा गरम मसाला डाल दिया है, अभी मैं इसके ऊपर एक चम्मच और घी दे देती हूँ। तो हमारी खिचड़ी जो है वो बन के तैयार है। तो ट्रेडिशनल बंगाली भोगेर खिचड़ी ये बन के तैयार है। आई होप, तो ये देखिए जो बंगाली ट्रेडिशनल भोग खिचड़ी है ये बन के तैयार है। आई होप रेसिपी आपको अच्छी लगेगी और आप इसको ज़रूर कभी ना कभी इसको अपने घर में बनाएंगे। तो आज के लिए इतना ही, और दुर्गा पूजा के लिए हम और भी रेसिपी लेकर आएंगे। तब तक रहते हैं, जय जगन्नाथ, जय माँ काली, जय माँ दुर्गा।